subscribe the channel and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा। आप देख रहे हैं फूड ओपिएट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे चिकन बिरयानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, चिकन बिरयानी मसाला के लिए हमें सब सामान रेडी किया है। ये अदरक है, कम से कम 3 इंच अदरक है, और लहसुन है, ये 10 से 15 मिर्ची हरी वाली है, और ये जायपत्री है, ये बड़ी इलायची, और ये देखिए बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है, ये इतनी ही क्वांटिटी में लेना है आपको भी, ये तेज पत्ता है, और ये शाही जीरा बोलते हैं इसे, ये मसालों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए इसमें, और वैसे इसमें बहुत अच्छा, इतने ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है बनाएंगे मसाला तो। देखिए, और इसमें फूड भी डाल सकते हैं। यह हमने चिकन लिया है, इसे मैरिनेट करके रख दिया था आधा घंटे के लिए। इस पर दही डाला था हमने, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए थे। देखिए, इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है मैरिनेट करने से। अब हम सारे मसालों को जार में डाल देंगे, और ये देखिए ये सभी मसालों को हम, ये चिकन बिरयानी मसाला बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। इससे बिल्कुल परफेक्ट मसाला रेडी होएगा बिरयानी के लिए। इस तरह से हम सारे मसालों को इस जार में डाल देंगे। देखिए, ये करीब आधा किलो चिकन था, उसके लिए हमने इतना मसाला रेडी किया है। ये अब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे मिक्सर में घुमा लेंगे। अब थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे, इस तरह से थोड़ा पानी डालना है, खूब ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा पेस्ट। मसाला और थोड़ी देर हम इसे और पीसेंगे, एक बार थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का पानी डालकर। देखिए इसमें मसाला पीस रहा है अभी। ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। ये देखिए बहुत ही चिकना मसाला पीसा है। देखिए मसाला तैयार हो गया है। ये बिलीव करिए मुझ पर, बहुत ही अच्छा मसाला है ये, बहुत टेस्टी लगेगी बिरयानी इससे आप बनाएंगे तो। इस तरह से निकाल लेना है मसाले को, थोड़ा चिपका हुआ है जार में, हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे क्योंकि मसाला चिपका हुआ है। ये बहुत ही परफेक्ट मसाला हमने रेडी किया चिकन बिरयानी के लिए। आप भी इसी तरह से इसी क्वांटिटी में तैयार करें। थोड़ा हम पानी डालेंगे। ये इस तरह से धोना है अपने को, थोड़ा पानी डालकर।
ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। ये चिकन बिरयानी मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इस कढ़ाई में तेल डाल देंगे एक कटोरी। जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें और थोड़ा डालेंगे। चिकन जितना है चावल के हिसाब से भी हमें डालना है तेल। ये हम एक ऑनियन चॉप कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम खड़े मसाले भी यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप अलग निकाल के रख सकते हैं, और जिस समय मसाला भून जाए तब हम इसे गरम वाला डाल सकते हैं अगर कम लग रहा हो तो। अब हम इसमें तेज पत्ता, हरी मिर्ची, ये छोटी इलायची डाल दिया हमने। अब ये प्याज डाल देंगे। इस तरह से हम मसाला डाल देंगे। ये चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाना है, नहीं तो मसाला चिपक सकता है। इस तरह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही मसाले में। बहुत ही अच्छा ये चिकन बिरयानी, बहुत ही अच्छा मसाला बना है। इसे थोड़ा कलर ब्राउन होते तक भुनना है। ये देखिए इस तरह से कलर हल्का चेंज हो जाए। अब हम इसमें इस चिकन को डाल देंगे। ये मैरिनेटेड चिकन ही डालना है आपको, तभी आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए ये हमने करीब आधा एक घंटे के लिए रखा था मैरिनेट करने के लिए, तभी चिकन बिरयानी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से चम्मच चलाते रहना है इसमें, नहीं तो मसाला चिपक सकता है और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। आप इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख सकते हैं। सिम करना है गैस को। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसको करीब 15 मिनट तक ही पकाना है, तभी चिकन पूरा पक सकता है। ये देखिए बन चुका है। ये देखिए हम चावल धो लेंगे। एक गिलास, ये 2 गिलास हो गया। इधर मसाला जब तक पक रहा है सब्जी, जब तक हम चावल धो के रख देंगे। करीब आधा घंटा पहले चावल को धो के रखना है, तभी सॉफ्ट बनता है। ग्रेट चिकन ही यूज़ करना है ताकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच। आपको ये ध्यान रहे कि चिकन मैरिनेटी होना चाहिए। अब ये देखिए हमने 1.5 स्पून कम से कम नमक डाला है इसमें, 1.5। ये हमने कम से कम 1.5 स्पून नमक डाला है। ऐसे चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए तेल छूटने लगा है, ये बोन्स भी दिखने लगी हैं। इससे समझ आ जाता है कि चिकन पक चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के और रख देंगे। देखिए चावल ये हमने गर्म पानी में डाल दिया है। पानी को पहले बॉईल कर ली थी मैंने एक साइड गंजी में रख के, अब हम इसमें चावल डाल दिए हैं। पानी, ये चावल में थोड़ी उबाल आए तो ध्यान रखना है कि ये थोड़ा हल्का सा दबे और इसे फिर हम पसा देंगे, नहीं तो ये गीला हो सकता है फिर ये अलग अलग। ये देखिए हम इसमें टोकनी में डाल देंगे पूरा चावल को। नीचे गंजी रखना है नहीं तो पानी आ सकता है गर्म। ये देखिए पूरा पानी इसका निकल जाएगा, निथर जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से चम्मच से फैला के रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। अब हमारे चिकन बिरयानी भी बन चुकी है एक साइड। अब हम इसे इस तरह से चावल को थोड़ा ऊपर नीचे करना है ताकि पानी पूरा निथर जाए। अब हम इसमें गंजी में, इसमें हम तसले में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम इसमें नमक डाल देंगे।
एक चम्मच ये डाल दिया हमने। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। ये आधा नींबू निचोड़ दिया हमने, आधा नींबू वैसे उसमें चावल जब पक रहा था जब डाला था, और एक चम्मच नमक भी डाला था उसमें। चावल पकते समय भी एक आधा नींबू निचोड़ना है और एक चम्मच नमक भी डालना है, और जब पक जाए इस समय जब निथर जाए पानी उसके बाद भी एक चम्मच देर नमक डालना है। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और नींबू भी आधा निचोड़ना है। नींबू में रस कम था इसलिए मैंने पूरा एक डाला है, वैसे अगर आपके पास ना अच्छा नींबू है रस वाला तो आप इसमें आधा डाल सकते हैं। इस तरह से अब इसे सब मिला देना है चावल को ठीक से। ये देखिए इस तरह से मिलाना है और गंजी में लेयर जमाना है। पहले चावल रख देंगे इस तरह से। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। देखिए मसाला कितना अच्छा बना है हमारा चिकन बिरयानी का, इसमें ये अच्छा कलर आ रहा है। इस तरह से एक एक लेयर लगानी है इसमें। लेयर बाय लेयर फिर चावल की लगा देंगे इस तरह से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब इसे आप गैस पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं ये सभी चावलों में मसाला पूरा मिल जाएगा। इस तरह डालने से लेयर पे लेयर डालने से चावल में ठीक से मिल जाता है मसाला। ये देखिए इस तरह से रखना है लेयर बाय लेयर चावल की। ये देखिए चावल की लेयर डाल दिया हमने। अब हम इसके ऊपर फिर से चिकन बिरयानी की लेयर डाल देंगे इस तरह से। ये मसाला हमारा ऐसा बना है कि सभी चावल में ठीक से हो जाए। देखिए इसी तरह से डालना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी बनाई हुई चिकन बिरयानी चटनी की रेसिपी का लिंक डाला है, उसे भी ज़रूर देख लें, उससे बिरयानी और टेस्टी लगती है। इसे 5 मिनट तक रखना है गैस पे सीम आंच में, और जब ये हो जाए तो फिर इसे चम्मच चला देना है ठीक से, और फिर इसे मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट तक कम से कम रखना है आपको इसे ठीक से। जब 5 मिनट बाद में इसे उठा के चम्मच हम देखिए इसमें कलर डाल देंगे थोड़ा, और इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे 5 मिनट बाद फिर चम्मच चलाकर ठीक से 5 से 7 मिनट तक रखना है। और मैंने गैस को सिम कर दिया है, आप इसे थोड़ी देर रख के इसे बंद कर दें। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें।